हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से, और हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ इम्प्लांट, उनके कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखने वाले, वो आखिर क्या चीज क्या होती है और उनका यूज क्या होता है, कितने तरीके के आते हैं, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। और अभी तक हम बात कर चुके हैं छोटे से डेमो वीडियो में कि एक जनरली पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, फिर हमने देखा इम्प्लांट को उन डिफरेंट नामों से क्यों जाना जाता है और किस तरीके के कनेक्शंस होते हैं, एंड अब हम बात करने वाले हैं अबटमेंट की, प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स की। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अबटमेंट्स है ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये इतनी सारी कंफ्यूजिंग क्यों है, क्यों इतनी वेरिएशन आती है और इनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए अपने टैब के अंदर चलते हैं और उसकी स्क्रीन मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे अबटमेंट्स की। अबटमेंट का मतलब क्या है कि जो इम्प्लांट आपने प्लेस कर दिया, अब एक आपने कनेक्शन बनाना है जिसके ऊपर उसके ऊपर क्राउन आ सकते हैं। अबटमेंट हम एफपीडी में भी जानते हैं, जिसके ऊपर क्राउन आता है उसको हम अबटमेंट कहते हैं। तो सेम वे में अबटमेंट इम्प्लांट के अंदर भी है और उस अपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट जो आप अपार्टमेंट को जान सकते हैं, वो जान सकते हैं ये हेक्स्ड है या नॉन हेक्स्ड है। हमने कनेक्शन में देखा था कि जो ज्यादातर जो कनेक्शन आते हैं वो हेक्स की फॉर्म में आते हैं, इसीलिए जो कंपनी ने भी नाम हेक्स्ड और नॉन हेक्स्ड के नाम से ये प्रचलित है। लेकिन अगर आपके इम्प्लांट का कनेक्शन ऑक्टागनल है या ट्राइंगुलर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो अकॉर्डिंगली आपने चूज करना है। तो हेक्स्ड एंड नॉन हेक्स्ड। हेक्स्ड क्या करता है, इम्प्लांट जो अपार्टमेंट है उसको घूमने नहीं देता, और जो नॉन हेक्स्ड है उसके अंदर अपार्टमेंट घूम सकती है। तो हेक्स्ड कैसी होगी, ये नीचे से आपने हेक्स बना हुआ दिख रहा है और इसके अंदर देखिए कोई हेक्स नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मूथ सरफेस। तो हमेशा एंटी रोटेशन फीचर तो अच्छा होता है, तो वाई नॉन हेक्स्ड अपार्टमेंट आ सकती है। तो जो ये नॉन हेक्स अपार्टमेंट, ये तब आप यूज कर सकते हो जब आपने सिंगल में तो हेक्स्ड ही आएगी नो मैटर वॉट। लेकिन आप मान लेते हैं आपने तीन इम्प्लांट प्लेस करे हैं एंड यू कैन नॉट मेक अ पैरेललिज्म इन बिटवीन दी सीट, एंड वो एक साथ पैसिवली सीट नहीं हो रही है आपकी प्रोसेस, तो उस केसेस के अंदर आप नॉन हेक्स्ड अबटमेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास अगर मान लो तीन इम्प्लांट है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो भी मैं ये कोशिश करूंगा कि एक मेरे पास हेक्स्ड अपार्टमेंट लग जाए और दो नॉन हेक्स्ड लग जाए, ताकि कम से कम एक उसको एंटी रोटेशन फीचर दे सके। तो अगर आप अपार्टमेंट ऑर्डर करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, हेक्स्ड चाहिए या नॉन हेक्स्ड चाहिए। सिंगल दांत है, हेक्स्ड मंगाइए। फिर आपकी अपार्टमेंट क्या हो सकती है, एंगल्ड हो सकती है या स्ट्रेट हो सकती है, यानी आपकी हेक्स्ड एंगल्ड भी हो सकती है, हेक्स्ड स्ट्रेट भी हो सकती है। तो ऐसे ही हेक्स्ड नॉन हेक्स्ड स्ट्रेट भी हो सकती है, नॉन हेक्स्ड एंगल्ड भी हो सकती है। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है तो स्ट्रेट अपार्टमेंट, एंगल्ड में है तो एंगल्ड अपार्टमेंट। अब जो ये एंगल होता है हमारा, ये डिफरेंट डिग्रीज में आता है। जैसे ज्यादातर कोरियन जो कंपनीज है वो 15 और 25 डिग्री में आपको वो बनाती है एंगल में, लेकिन अगर आप इजराइल कंपनीज में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन आपको मिल सकती है। आपको 15, 25, 35, 40, 45, 60 डिग्री तक की आपको एंगल की चॉइस मिल सकती है। तो जो ज्यादा एंगल में अपार्टमेंट्स बनाती हैं, वो कंपनी अपनी अपार्टमेंट्स को भी थोड़ा कॉस्टली रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिलिंग कॉस्ट ज्यादा आता है। फिर आता है कास्टेबल अपार्टमेंट्स। कास्टेबल का मतलब कि यानी आप किसी अपार्टमेंट को कास्ट कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं आप जो कंपनी ने प्री फैब्रिकेटेड अपार्टमेंट बना रखे 25 डिग्री, बट समहाउ आपने आगे के दांत के अंदर इम्प्लांट प्लेस कर दिया 45 डिग्री के ऊपर, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, 25 डिग्री पे क्राउन लगेगा नहीं। तो देन व्हाट यू, आप अपनी कस्टम मेड अपार्टमेंट्स बना सकते हो, तो उसको कहते हैं कास्टेबल अपार्टमेंट्स, यानी आप इसको बना सकते हैं। अब ये भी दो वेरिएशन में मिलेगी, हेक्स्ड में, नॉन हेक्स्ड में। जब आपने डिसाइड कर लिया हेक्स्ड चाहिए नॉन हेक्स्ड चाहिए, फिर उसके बाद फिर दो वेरिएशन मिलेंगी कि जो इसके अंदर जो ये हेक्स वाला पार्ट है, मतलब कि हिस्सा जो आपके इम्प्लांट के अंदर जाएगा, वो भी टोटल प्लास्टिक स्लीव का हो सकता है या फिर ऐसे मेटल में हो सकता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेटल मतलब कि कास्टेबल अपार्टमेंट विद टाइटेनियम बेस विल बी बेटर देन जो टोटल प्लास्टिक की स्लीव्स आती है। तो अगर आपके ऑप्शन है तो चूज दिस वन।
नॉट दिस मच। फिर आता है जो हमारी अपार्टमेंट है उसके मटेरियल के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी अपार्टमेंट चाहिए। जो नॉर्मली आपके पास जो अपार्टमेंट्स इम्प्लांट के साथ आती हैं वो क्या कहते हैं टाइटेनियम अपार्टमेंट, सिल्वर कलर की दिखेंगे दैट इज टाइटेनियम अपार्टमेंट्स। लेकिन मान लेते हैं आपको हाई पैसे पेशेंट ने बहुत पैसे दे रखे हैं आपको एंड यू वांट अ परफेक्ट एस्थेटिक इन इंटीरियर केस, सो व्हाट यू वांट कि आपकी अपार्टमेंट भी व्हाइट हो ताकि एक ट्रांसलूसेंसी मेंटेन रह सके। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं ये व्हाइट है और ये इस तरीके की जिरकोनिया अपार्टमेंट्स आती हैं। तो ये अपार्टमेंट्स आप प्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली दे आर कॉस्टली एंड ये हर कंपनीज बनाती भी नहीं है, तो आपने कौन सी कंपनी का यूज करना है आप अपने अपने केस टू केस के लिए भी देख सकते हैं। फिर आता है टेम्पररी अपार्टमेंट। टेम्पररी अपार्टमेंट का मतलब है कि पेशेंट का मान लेते हैं कि कैनाई टूट गया एस्थेटिक जोन के अंदर एंड यू वांट टू प्लेस अ रेस्टोरेशन फॉर टेम्पररी बीम, सपोज 6 महीने के लिए पेशेंट एनआरआई है एंड वो 6 महीने बाद ही आ सकता है, तो आप इन टेम्पररी अपार्टमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ये पीक मटेरियल की बनी हुई होती है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट कंपोजिट लेयरिंग कर सकते हैं ताकि पेशेंट को एस्थेटिक भी मिल जाए, काम भी हो जाए एंड फिर उसके बाद आप परमानेंट अपार्टमेंट और परमानेंट क्राउन के साथ चेंज कर सकते हैं। फिर आता है एक मल्टी यूनिट टर्म होती है, ये ज्यादातर अब एडवांस इम्प्लांटोलॉजी में यूज होती है यानी फुल माउथ रिहैबिलिटेशन में यूज होते हैं। जब पेशेंट का एक भी दांत नहीं है बहुत या बहुत सारे दांत है इम्प्लांट से आप उनको उसको पैरेललिज्म आराम से कर सको, इसलिए मल्टी यूनिट्स यूज होती है। मल्टी यूनिट का मतलब है कि अब जो इम्प्लांट कनेक्शन है वो 2 हिस्सों में हो गया, एक इम्प्लांट का जो हिस्सा है मल्टी यूनिट का है वो इम्प्लांट के अंदर जाएगा, जो ये आप गोल्डन कलर का देख रहे हो दैट विल गो इनसाइड द इम्प्लांट, और जो ये टॉप पोर्शन देख रहे हो एक इसके ऊपर एक और आपकी अपार्टमेंट बनेगी जो इसके साथ स्क्रू इन हो जाएगी। तो यानी आपने डिफरेंट 2 हिस्सों के अंदर अपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया फिलहाल के लिए समझ लीजिए, और ये ज्यादातर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के अंदर यूज होती है एंड इसको यूज करना थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि अब आपको 2 अपार्टमेंट का खर्चा आपको देना है। एंड ये भी क्या हो सकता है, अब जैसे ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो ये हेक्स बना हुआ है, ये नॉन हेक्स भी आ सकता है, यस यू गेस्ट इट राइट, तो ये हेक्स और नॉन हेक्स हो सकती है, ये भी स्ट्रेट हो सकती है और एंगल्ड हो सकती है। जैसे ये इसके अंदर स्ट्रेट इम्प्लांट में लगा है तो स्ट्रेट अपार्टमेंट, ये बाकी सारे एंगल में लगे हुए हैं, जो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट्स भी आती जाएंगी, यानी 10 डिग्री 15 डिग्री 50 डिग्री इस तरीके से मल्टी यूनिट्स भी आती हैं। अब जो इसमें हेक्स 2 जगह हो सकता है, एक हेक्स तो क्या हो सकता है नीचे हो सकता है इम्प्लांट के अंदर जाने वाला, एक हेक्स इसके अबव भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपने बहुत एब्रप्टली एक ऐसा एंगल पे प्लेस कर दिया है इम्प्लांट एंड आप कस्टमाइज अपार्टमेंट से भी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं एक पहले मल्टी यूनिट लगाइएगा फिर उसके ऊपर एक कास्टेबल बनाएंगे, तो उसके अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपको हेक्स्ड चाहिएगा, तो ये हेक्स्ड मल्टी यूनिट्स भी आती है, यानी उनके पास दोनों जगह हेक्स होगा ऊपर भी नीचे भी। अब जो ये अपार्टमेंट्स हैं एक तो इस तरीके से मतलब कि हेक्स नॉन हेक्स हो गई कास्टेबल हो गई इस तरीके की आ गई, अब ये इनकी जो वेरिएशन है थोड़ी सी और हो सकती है अकॉर्डिंग टू जिंजाइवा। अब किसी पेशेंट के अंदर जिंजाइवा हाइट 2 mm भी हो सकती है, किसी में 10 mm भी हो सकती है, तो ये आपको जिंजाइवा की हाइट के हिसाब से भी चूज करनी होती है। फिर कहीं पे मान लेते हैं आपने 6 mm का इम्प्लांट प्लेस किया है तो आपको 7 mm की अपार्टमेंट चाहिए, या आगे के दांत में आपको 4.5 mm की अपार्टमेंट चाहिए, तो आपकी डायमीटर की भी वेरिएशन हो सकती है, यानी पहली वेरिएशन जो हमने ऊपर देखी, फिर दूसरी उसके बाद जो वेरिएशन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि हमें डायमीटर क्या चाहिए, फिर उसके बाद क्या वेरिएशन हो सकती है कि हमें जिंजाइवल हाइट क्या चाहिए। तो जैसे अगर इसी तरीके की जैसे मान लो कि स्ट्रेट अपार्टमेंट हमें चाहिए, टाइटेनियम की स्ट्रेट अपार्टमेंट चाहिए, अब इसमें क्या हो सकता है डायमीटर हो सकता है, फिर क्या हो सकता है जिंजाइवल हाइट हो सकती है कि ये कितने जिंजाइवल हाइट की हमें चाहिए। तो अगर आप इन सारी कॉम्बिनेशन को परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो पता नहीं कितने सारी तरीके की अपार्टमेंट्स हो जाएंगे, इसीलिए जो प्रोस्थेटिक कंपोनेंट के पेजेस ज्यादा होते हैं इम्प्लांट के कैटलॉग के अंदर रादर देन इम्प्लांट के कैटलॉग के अंदर के हिसाब से, क्योंकि देर आर सो मेनी वेरिएशंस। अब ये तो हमने मल्टी यूनिट की और अपार्टमेंट की बात करी, अब मैंने क्या बताया था, अब जो हमारा मल्टी यूनिट है
मल्टी यूनिट के ऊपर एक और पार्ट आएगा, यानी अपार्टमेंट को हमने दो में डिवाइड किया था, एक मल्टी यूनिट जो इम्प्लांट के अंदर जाएगी, एक उसके ऊपर का हिस्सा। ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं कास्टेबल सिलेंडर। तो ये इस तरीके का कास्टेबल सिलेंडर आता है। तो अगर कभी किसी केस में मल्टी यूनिट की जरूरत पड़ती है तो ऐसा कास्टेबल सिलेंडर हम लैब वाले को देते हैं ताकि ऊपर की वो प्रोस्थेसिस। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो अभी फिलहाल के लिए प्रोस्थेटिक कंपोनेंट में यहाँ पे ब्रेक मारते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंप्रेशन कोपिंग्स कितने तरीके की हो सकती है, मल्टी यूनिट की इंप्रेशन कोपिंग्स कितने तरीके की हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।